जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक थिंग्स विजिबल। इसको आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे, फैक्टर्स विच एड रिकग्निशन, मतलब कि वो क्या क्या फैक्टर हैं ग्राउंड पे, फील्ड पे, जो जिससे हम किसी भी चीज़ को स्पेस पे, दूरी पे पहचान सकते हैं FCBC में। ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहला होता है शेप। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप जो होती है ना, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होती है, तो उसकी शेप से हम पता लगा सकते हैं वो क्या ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ की शेडो से, उसकी परछाई अगर कहीं पे पड़ रही है तो हम उससे पता लगा लेंगे। सिलहुट से, सिलहुट होता है बेसिकली किसी चीज़ पे परछाई पड़ रही है और उस परछाई का मूवमेंट को सिलहुट बोलते हैं, है ना। जैसे सपोज करो वाटर बना हुआ है पीछे, या फिर कोई हिल बनी हुई है और उसके ऊपर से जैसे मूवमेंट करके आप गए और उस पर परछाई आपकी चलती हुई दिख गई एकदम दूर से, तो उसको बोल देते हैं सिलहुट। इसमें आपने एक टर्म और अगर पढ़ोगे कभी तो स्काई लाइन टर्म मिलती है सुनने को, तो स्काई लाइन मतलब यही होता है कि आपकी चलती हुई परछाई पकड़ में आ गई। क्लियर हो गया इतना, सिलहुट। दूसरा होता है सरफेस, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सरफेस, उससे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कोई डिस्टेंट पे हेलमेट किसी ने पहना हुआ है तो एक गोल सा शाइनी सी सरफेस होगी उसकी, तो एकदम पकड़ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है। स्पेसिंग, स्पेसिंग हो सकता है कि जैसे सपोज करिए कि जितने भी स्क्वाड हुआ एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में खड़ा होता है, या फिर आपकी जो व्हीकल्स हो गए, टेंट हो गए, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन में अगर आपने गार्ड रखे हैं तो दुश्मन एकदम देख के पहचान लेता है, या हम देख के पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हरकत हो रही है ना, एकदम पता चल जाता है। इसीलिए आपको सेक्शन फॉर्मेशन में सिखाते हैं ना, अलग अलग फॉर्मेशन वगैरह से जाना होता है ताकि स्पेसिंग का पता ना चले। ये क्लियर हो गया। अगला होता है मूवमेंट। मूवमेंट वही नाम से ही क्लियर है, हरकत। जैसे मूवमेंट करेंगे तो एकदम पता चल जाता है इधर से कोई भाग के गया, दौड़ के गया, तभी इसमें मूवमेंट के लिए आपको क्रॉलिंग नहीं सिखाते, घसीट घसीट के जाते नीचे से इसीलिए। सातवा है आपका शाइन, कोई चीज़ एकदम से शाइन कर जाए, किसी फौजी की बेल्ट शाइन कर गई या स्टार शाइन कर गया, एकदम पता चल जाता है वहाँ पे कोई बंदा है। ठीक है, उसकी पोजीशन, पोजीशन का मतलब हुआ कि बैकग्राउंड से मिसमैच कर रहा हो, अच्छे से कैमोफ्लाज नहीं लिया, बैकग्राउंड से मिसमैच करता है तो पोजीशन हम एकदम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगला होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब यही कि जिस सरफेस में वो खड़ा हो रखा है ना, उसका कलर और जो उस बंदे के यूनिफॉर्म का कलर है वो बिल्कुल मिसमैच कर रहा है, तब कॉन्ट्रास्ट चेंज हो गया, एकदम पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट होता है आपका नॉइज़, साउंड या कोई एक्टिविटी, कोई आवाज़ हुई, शोर हुई, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो हर चीज़ की साउंड अलग होती है। जैसे कहीं पे आप पत्थरों पे चल रहे हो तो उसकी साउंड अलग आने वाली है, कहीं ऊपर से कोई चीज़ गिरी है ना, बुलेट चली कहीं से, तो उसकी साउंड अलग होती है, उसकी उस एक्टिविटी से एकदम दुश्मन पहचान लेता है। ठीक है, इनको आप, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं बार बार और पेपर में भी लिखने को आते हैं, लगभग इसमें से 7 लिखने के लिए आते हैं एग्जाम के अंदर पे, तो बट मैंने 10 बता दिए, कोई 7 आपको याद रहनी चाहिए, 4 बार बोलेंगे ना याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, शेप, शेडो, सिलहुट, शेप, शेडो, सिलहुट, सरफेस स्पेसिंग मूवमेंट, सरफेस स्पेसिंग मूवमेंट, शाइन, पोजीशन, कॉन्ट्रास्ट, शाइन, पोजीशन, कॉन्ट्रास्ट, नॉइज, साउंड, एक्टिविटी, नॉइज, साउंड या एक्टिविटी। ऐसे आप 4 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ में बोलो, शेप, शेडो, सिलहुट, सरफेस स्पेसिंग मूवमेंट, शाइन, पोजीशन, कॉन्ट्रास्ट, नॉइज, साउंड, एक्टिविटी। आई होप ये क्लियर होगी वीडियो। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।